हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोजनी नगर हॉल। अब तो मैं बोल भी नहीं पा रही क्योंकि इतने सारे हॉल्स कर लिए ना, लेकिन हु डजंट लाइक सरोजनी नगर हॉल्स। मतलब ये खत्म होते से आई एम प्लानिंग टू गो देयर अगेन। तो लेट मी नो डाउन बिलो व्हाट डू यू वांट मी टू कम बैक विद, कि ये टाइम मैं क्या कलेक्शन का शॉपिंग करूँ। बट आज का वीडियो है समर क्लोथ्स पे, बिकॉज जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ईयर गर्मी होती है, तो मैं वैसे ही टाइप के कपड़े ज़्यादा लेके आई हूँ। नोइंग मी यू नो कि मैं स्पेगेटीज बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, तो आई हैव टू स्टार्ट दिस हॉल एक स्पेगेटी के साथ। ये है मेरा 100 रुपी वाला स्पेगेटी। वो भैया के पास बेसिकली जितने भी कलर्स और जितने भी पैटर्न्स थे ना, मैं सब लेके आ गई। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि ये रिवर्सिबल भी शायद हो सकता है, लेकिन नहीं, ये सिलाई दिख जाती है। मतलब अगर आप वाटर किंगडम या कहीं जाने का सोच रहे हो तो वहां के स्टोर से लेने से बेटर है कि मतलब ऐसे 100 रुपए वाले टी शर्ट भी पहन लेना, तो भी वर्थ है। फैशन में वापस आ रहे हैं, एंड जब मैंने ये वाला देखा मुझे लगा था कि मुझे शायद फिट नहीं आएगा, बट ये परफेक्टली फिट आ रहा है। ये वाला मुझे मिला था सिर्फ 200 रुपीज में। ताकि इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, एंड इसपे पूरे इसपे वर्क है, ब्लीडिंग का वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है थोड़ा सा, एंड दिस जैकेट, गेस द प्राइस, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, 150 रुपीज। इतना हैवी, इतना ब्यूटीफुल जैकेट फॉर 150 रुपीज, इट वॉज अ स्टील यार। मतलब मैंने भैया को पूछा कितने का, ही सर 150 है ना, हमने कहा बार्गेन भी नहीं कराओगे, बट मॉल इन सम स्टोर, एंड वहाँ पे 1200 का था, बट हम लेके आए इसे 150 रुपए में। I got somewhere that I need to get. Can you wrap this up so I can? Yeah, don't hit replay, just hit restart. Ain't no skin off my back either way. We had something good, not something great. Go ahead, baby, just. Okay, next stop is very very pretty. एकदम लाइट ब्लू टॉप है, एंड इसका पैटर्न भी बहुत ही मस्त है, लाइक साइड में से ऐसे स्कैलप्स है, एंड इसका बैक देखोगे ना यू गो क्रेजी। आधा बैक ऐसे ओपन है यहाँ से, एंड बाकी आधे पे जिप है, एंड ये पैटर्न देख के आई न्यू दिस हैज टू बी अ बिग ब्रांड, और ये निकला फॉरएवर न्यू का टॉप। फॉरएवर न्यू के शोरूम में अगर आप जाओगे ना, तो यूजुअली उनके कपड़े 3000-4000 के नीचे होते ही नहीं है, भले वो एक छोटा सा टॉप ही क्यों ना हो। तो ये टॉप जब मुझे 150 रुपीज का मिला, आई ग्रैब्ड इट, एंड इस्त्री करने के बाद तो जेन्युइनली एकदम नए जैसा लग रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने बताया कि ये सारे कपड़े यूज्ड होते हैं, हो सकता है ये यूज्ड हो, क्योंकि वरना इतना सस्ता कैसे मिले, बट ठीक है, मैं मॉल में भी काफ़ी लोग ट्रायल करते ही है ना कपड़े हम खरीदे उसके पहले, तो इफ़ यू वॉश इट प्रॉपरली, और अगर आप इस्त्री वगैरह अच्छे से करा रहे हो, तो कोई मेरे को तो
प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, क्योंकि मुझे मेरा वार्डरोब चेंज करना पसंद है, तो मुझे ये वाले कपड़े ज्यादा प्रेफरेबल है. तो ये जैकेट के पीछे एक बहुत ही फनी स्टोरी है. ये भैया के पास मैं ऐसे 10 मिनट तक रुकी कि मुझे डेनिम जैकेट लेना ही है. उनका पूरा डेनिम का दुकान था, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया. पर भैया ने फिर जाते हुए बोला कि बोली नहीं हुआ, प्लीज़ कुछ ले लो. तो मैंने ऐसे वो प्रेशर में आके ले लिया ये डेनिम जैकेट. इट्स नॉट बैड, पर मुझे ना ये एसिड वॉश जल्दी से पसंद नहीं आता. बट फिर भी क्रॉप्ड है ना, इसलिए चल जाता है. लाइक इट्स अ डिफरेंट लुक. बट हाँ, 250 रुपये में मैंने ये ऐसे ले लिया था. फिर मम्मी से डांट खाई थी, बट ठीक है, आई यूज इट. ये मैं एक्चुअली पहन चुकी हूँ, ये वाला मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ. एंड 150 रुपीज़ का मिला था, वर्थ इट टोटली. मतलब हॉल के पहले मैंने इतनी बार पहन लिया है, तो हॉल के बाद तो सोचो मैं कितना पहनूंगी. मेरा एक्चुअली एक पर्सनल रूल है कि जब तक हॉल नहीं हो जाता ना, मुझे वो कपड़े पहनना स्टार्ट करना नहीं पसंद, तो मैं इसलिए सब बचा के रखती हूँ. Promise you my life, promise you my time, promise you no lie. Oh yeah, there you go. I'm on me mode to carry love. Oh yeah, yeah. Okay, next is a denim. And if you know me, I have been obsessed with American Eagle outfitters. अगर आप ये कर सकते हो तो please उनके Instagram पे जाके DM करो and please collaborate with Hailey Wade. But coming to the point, मैंने उनका एक और चीज लिया. मैंने ये बूट कट डेनिम लिया. बूट कट मतलब वो 90s में से नीचे से चौड़ा वाला जो पैंट होता है ना, बेल बॉटम्स, वो वाला लिया. ये एकदम ज्यादा भी चौड़ा नहीं है, बट वो लुक दे देता है. तो मुझे स्टाइल ट्राई करना था. बहुत सारे फैशन ब्लॉगर्स पे देख लिया मैंने इंस्टाग्राम में, बट सरोजनी में 200 रुपये में मैं दे सकती हूँ ये स्टाइल ट्राई करने में. मॉल में जब मैं गई थी तो 2500-3000 के जीन्स आ रहे थे. Hear me out, out, hear me out now. Hear me out, out, hear me out. Hear me out, out, hear me out now. Do me a favor and don't do me no favors, no. Hear me out, out, hear me out now. Hear me out, out, hear me out. Hear me out, out, hear me out now. Do me a favor, just break my mind. Next, एक बहुत interesting सा top है. ये भी I think मैंने शायद H&M में ऐसा कुछ देखा था. एक basic T-shirt के ऊपर ऐसा सी दिया है, मतलब ये अटैच्ड है, ये निकल नहीं सकता. एंड इसके पीछे ऐसे इलास्टिक है. तो मैंने देखा काफी लोगों को ऐसे अलग अलग भी लेयर करते हुए कि वो लोग एक कैमिसोल या एक ब्रासियर या ब्रालेट पहन लेते हैं सारे टी शर्ट पे. तो दिस वॉज इंटरेस्टिंग टू ट्राई. एंड ये मुझे एक्चुअली अच्छे से फिट आ जाता है, तो 100 रुपीज में ये फुल मेरे पैसे तो वसूल हो गए. Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. So next item, ऐसा अभी मुझे थोड़ा सा regret हो रहा है. अगर आपने मेरा buying only pink clothes challenge देखा है, तो you will know what this is. ये है एक pants और उसकी matching कुर्ते का set. तो ये कुर्ता मुझे 100 रुपीज़ का मिला था, एंड ये पैंट भी मुझे 100 रुपीज़ की मिली थी. मतलब 200 रुपये में पूरा सेट तो हो गया, लेकिन मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको कहाँ से स्टिच कराऊँ. मुझे बहुत बड़ा फियर है कि अगर ये बराबर से स्टिच नहीं हुआ तो ये पूरा सेट वेस्ट होने वाला है. तो मैंने मेरा पिंक वाला भी अभी तक स्टिच नहीं कराया, इसलिए मैं सोचती हूँ कि यार मैंने दो सेट लेके गलत तो नहीं किया. शायद पहले एक ही सेट लेना चाहिए था.
पर जो हो गया सो हो गया। अगर इसकी फिटिंग अच्छी हुई ना तो समर में पहनने में अच्छा लगेगा, एकदम पतला मटेरियल है, ओपन ओपन है, सो इट्स आई होप इट टर्न्स आउट वेल। ये ज़ारा से है एक्चुअली, इसके अंदर सारे टैग्स एकदम बराबर से हैं एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक स्टेप है, मैं स्टेप है मतलब एक साइड से छोटा दूसरे साइड से लंबा एंड हाँ यार मतलब शॉर्ट्स के साथ डेनिम के साथ सबके साथ ये अच्छे से जा रहा है। ये टॉप मुझे मिला था सिर्फ 100 रुपीज में। And last but definitely not the least है ये ब्लू कलर की जैकेट। अभी ये जैकेट आई थिंक बहुत सालों पहले ट्रेंड में थी, अभी शायद इतनी ट्रेंड में नहीं है, बट जब ये चीज़ 100 रुपये में मिल रही हो एंड समर आने वाला हो तो जब माइंड में 5 आउटफिट बन गए हो तो ये नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए मैंने ये ले लिया था। एंड मैंने अभी तक इसे पहना तो नहीं है लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मैं इसको स्टाइल तो कर पाऊंगी, लाइक एक प्लेन व्हाइट कैमिसोल के ऊपर भी पहन लिया ना बन गया आउटफिट। Guess I'd rather be on vacation. Guess I haven't got the education. I don't really have an explanation. समर थीम, तो अभी तो मेरा सारा स्टॉक खत्म हो गया सरोजनी का। आई हैव टू गो बैक, तो याद से मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या लेके आऊँ। एंड अगर आपको ये वाला हॉल देखने में मजा आया तो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय। स्ट्रेंजर्स साउंड गेट्स अराउंड।